कर जॉइंटली पी लाइन ऑर्डर महोदय और डीसीपी ग्रेटर नोएडा महोदय के कुशल निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान में ये थाना बीटा टू पुलिस के प्रभारी निरीक्षक चौकी इंचार्ज परिचौक और इनकी टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। इन लोगों ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसका कि नाम राजेश जो कि बुराड़ी दिल्ली का रहने वाला है। इसके पास से 80 किलो अवैध गांजा, एक स्विफ्ट कार और एक मोबाइल फ़ोन मिला हुआ है। इस बरामद गांजे की अनुमानित कीमत लगभग 8 लाख रुपये है और जो इससे पूछताछ की गई है उसमें ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि ये व्यक्ति कन्नौज जनपद के छिबरामऊ से एक व्यक्ति से गांजा लाता है और यहाँ के DNCR में डिलीवरी करता है और वो उसके पास से गांजा उड़ीसा से आता है। तो हम इसके जो दखन हैं और इसके फोन कॉल रिकॉर्ड्स हैं इनके आधार पर उस अभियुक्त संतोष को भी तलाश करेंगे। इसके बैकवर्ड लिंकेज या फॉरवर्ड लिंकेज को हम लोग स्टेब्लिश करेंगे। बरामदगी के आधार पर इसमें NDPS धाराओं में अजूर पंजीकृत करके इसको जेल भेजा जा रहा है। इसी क्रम में 2 किलो गांजा अभियुक्त चुन्नू पुत्र राम प्रवेश और अमित कुमार ये गिरफ्तार हुए हैं और इनके पास जो एक मोटरसाइकिल मिली है जो कि चोरी की बताई जा रही है इनको भी सुसंगत धाराओं में जेल रवाना किया जा रहा है और इसमें जो अनविवेचनात्मक कार्रवाई है उसी को पूर्ण कराई जा रही है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें और लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको पूरे भारत से जुड़ी लेटेस्ट खबरों की जानकारी मिलती रहे। वीडियो संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।